Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter alcohol phenol ether. So alcohol phenol ether mein bachcho humne alcohol complete kar liya, phenol ki preparation methods complete ho chuki hai, general method of preparation aur commercial production of phenol, ye sab humne discuss kar liya. Aaj ke lecture mein hum padhne wale hain chemical properties of phenol. To bachcho chemical reactions, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो है तीन तरह की रिएक्शन शो करता है. सो आवर टुडेज़ टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. तो आपको बताना है मेनली फिनॉल बच्चों, फिनॉल शोज थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तीन तरह की रिएक्शन है बच्चों फिनॉल की. कौन सी? तो देखो, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड फीजन. यानी इन रिएक्शंस में फिनॉल का O और H का बॉन्ड जो है वो स्प्लिट होगा. ठीक है बच्चों, कैसे होता है? तो सेम मैकेनिज्म हमने अल्कोहल में पढ़ा था, सारा सब कुछ सेम है. ठीक है ना, बस R की जगह हमारे पास फिनाइल है. सेकेंड जो स्पेशल रिएक्शन बच्चों फिनॉल की है वो है रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग. मतलब बेंजीन पे आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा. ठीक है, और थर्ड जो है बच्चों, थर्ड रिएक्शन कौन सी होंगी? तो रिएक्शंस ड्यू टू फिनॉल, ये बॉन्ड फ्यूजन होगा ना, OH बॉन्ड फ्यूजन. सो थर्ड कैटेगरी हमारे पास ये हो गई. अब कुछ और रिएक्शंस भी हैं बच्चों हमारे सिलेबस में, लाइक फिनॉफ्थलीन कैसे बनेगा. ठीक है, या फिर फिनॉल से हम डाइज कैसे बनाएंगे, ऑरेंज डाई बनती है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनेगी. ठीक है, तो फिनॉफ्थलीन है, बिसफिनॉल ए है, तो मैं तीन को चलो चार कर देती हूं. ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंडेंसेशन भी हम पढ़ लेंगे, तो कंडेंसेशन रिएक्शंस. ठीक है, तो फिनॉल शोज फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंडेंसेशन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं. अब आज के सेशन में हम रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड फ्यूजन में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल. तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, तो आज पहले हम उसे डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितना टाइम बचता है आगे रिएक्शंस पढ़ने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड फ्यूजन. अब बच्चों OH बॉन्ड फ्यूजन होगा तो O तो माइनस बनेगा और H क्या बनेगा? H प्लस बनेगा. तो H प्लस मतलब एच आयन दे रहा है फिनॉल, तो जो प्रोटॉन देता है दैट इज एसिड. तो मैं कह दूं कि एसिडिक नेचर शोइंग रिएक्शंस, जो भी ये रिएक्शंस होंगी उनमें फिनॉल की कैसी नेचर शो हो रही, तो हम कहेंगे भाई इन रिएक्शंस में फिनॉल की एसिडिक नेचर जो है वो शो हो रही है. तो एसिडिक नेचर शोइंग रिएक्शंस. अब बच्चों रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड फ्यूजन, यानी फिनॉल एसिडिक बिहेव कर रहा है. तो फिनॉल वैसे भी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फिनॉल का जो दूसरा नाम है फिनॉल आल्सो कॉल्ड, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी तो कहते हैं बच्चों, आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड. ठीक है, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है तो कार्बोलिक एसिड. अब फिनॉल जो है बच्चों वो लिटमस टेस्ट भी देता है, गिव्स लिटमस टेस्ट. अब कौन सा लिटमस टेस्ट? तो बच्चों एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड की रेड टू ब्लू, सोचो. तो बच्चों एसिड जो होता है, नहीं याद है तो याद रखेंगे अनिल. क्या याद रखोगे? अनिल. अ मतलब एसिड, ए नील कर दो, ए मतलब एसिड. नील नीले को लाल करता है, ब्लू को रेड करता है. तो आप कहेंगे फिनॉल गिव्स लिटमस टेस्ट एंड इट टर्न्स, क्या करेगा बच्चों?
ब्लू लिटमस को रेड कर देगा. इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, तो भाई ब्लू को रेड कर देता है. ओके, अब क्यों है एसिड? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फिनॉल के अंदर रेजोनेंस चेक करें, रेजोनेंस इन फिनॉल. अब रेजोनेंस कैसे बच्चों? तो देखो, फिनॉल एक्चुअली क्या है, तुम्हें कह दूंगी भाई फिनॉल एक्चुअली बेंजीन पे OH ग्रुप बॉन्डेड है. ठीक है, फिनॉल में क्या है, बेंजीन पे OH ग्रुप बॉन्डेड है. अब ये OH ग्रुप क्या करता है, अपना लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट करता है. अब तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? तो बच्चों, कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? तो फिलहाल यहां जो यूज हो रहा है वो बता रही हूं. कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ना, क्या हो, ऑल्टरनेट हो. तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट है तो मैं कह दूंगी हाँ भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ठीक है, या फिर लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, ये क्या हो, लोन पेयर और डबल बॉन्ड ये लोग क्या हो, ये ऑल्टरनेट हो, तब भी तुम कह सकते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो हम कहेंगे हाँ लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल, ऑल्टरनेट तो है. या मैं कह दूं हाँ डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट तो है. तो ऑल्टरनेट है मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. या फिर मैं कहूं कि ऐसा सिस्टम जिसमें रेजोनेंस हो. अब रेजोनेंस क्या, तो बच्चों रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड का शिफ्ट है ना. अगर ये लोन पेयर यहां ट्रांसफर हो गया तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग को मुझे कहना चाहिए डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब ये नया टर्म आया डीलोकलाइजेशन, तो बच्चों डी है ना और लोकलाइज्ड. एक तो होता है लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड क्या होता है, जैसे मान लो आपका स्कूल है तो आप स्कूल का जो बिल्डिंग है वो अपनी जगह पे है ना. अगर आप साल भर बाद जाते हो, दो साल बाद जाते हो, तो बिल्डिंग तो लोकलाइज्ड है अपनी जगह पे, तो दैट इज लोकलाइज्ड सिस्टम. लेकिन स्कूल के बाहर मान लो पानी पुड़ी वाला खड़ा है, ठीक है ना, मुझे बहुत पसंद है तो चलो पानी पुड़ी वाला खड़ा है. तो पानी पुड़ी वाला आज तो खड़ा है, दो दिन बाद देखोगे तो मे भी खड़ा हो या नहीं, या फिर जगह बदल गई, पहले लेफ्ट में खड़ा होता तो अब राइट में खड़ा हो. ठीक है, सप्ते भर बाद आए तो हो सकता है थोड़ा और डिस्टेंस पे है ना, आधा किलोमीटर और दूरी पे खड़ा हो. ठीक है, साल भर बाद आए, दो साल बाद आए तो मे भी ना हो है ना. तो जो घूमता रहता है, पहले यहां था फिर यहां था फिर आगे चला गया है ना, जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, घूमता रहता है, दैट इज डीलोकलाइज्ड है ना. तो यहां पे भी तो यही है बच्चों, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड घूमता रहता है रिंग के अंदर. तो डबल बॉन्ड का मूवमेंट यानी कि डीलोकलाइजेशन, और अच्छे तरीके से बताएं तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी डीलोकलाइजेशन. और जब डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस. रेजोनेंस स्टेबिलिटी लाता है. ओके, अब देखो रेजोनेंस तो है लेकिन रेजोनेंस किसी ग्रुप की वजह से है ना. तो हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट. जनरली बुक्स में लिखा होता है एम इफेक्ट, आर इफेक्ट, एक है, बट एक नहीं है. मीजोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए मुझे कोई ना कोई ग्रुप का रिक्वायरमेंट है. लेकिन रेजोनेंस शो करने के लिए अगर बेंजीन अकेला है तो रेजोनेंस है, लेकिन बेंजीन पे कोई ग्रुप है तो रेजोनेंस की वजह क्या है, वो ग्रुप है, उस ग्रुप का लोन पेयर है. ठीक है, तो हम कहेंगे जब कोई ग्रुप इन्वॉल्व होता है तब उसी रेजोनेंस इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, अब होगा क्या बच्चों? तो देखो रेजोनेंस इन फिनॉल, या मैं कह दूं प्लस एम इफेक्ट, एम यानी मीजोमेरिक, प्लस एम इफेक्ट किसका, तो मैं कह दूंगी OH ग्रुप का. तो प्लस इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल. ओके, अब ये क्या नई चीज है? तो देखो बच्चों, ये बना दिया मैंने फिनॉल, ठीक है, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OH को मैंने कह दिया फिनॉल. अब आप ध्यान से देखो, देखो ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट होता है, पाई बॉन्ड है, मोबाइल है, वीक है ना, तो ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट होता है तो बच्चों ये वाला पार्ट जो बनेगा ना दैट इज नेगेटिव, और बैक साइड कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव. और ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये डोनेशन में आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन को डोनेट कर देगा. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बॉन्ड जहां टूटता है बच्चों, जहां एरो होता है वो नेगेटिव, और जहां टेल होता है दैट इज
पॉजिट, तो आप रेजोनेंस आराम से कर जाओ। जहां बॉन्ड टूट रहा है, जहां तुमने एरो बनाया, दैट साइट इज नेगेटिव, और जो उसकी पूंछ है, टेल वाला पार्ट है, दैट इज पॉजिटिव। बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो ये बॉन्ड में यहां शिफ्ट कर दू, ओके बच्चों, तो ये बॉन्ड मैंने यहां शिफ्ट किया तो दिस इज नेगेटिव, ये बॉन्ड तो एज इट इज हो गया ना बच्चों, और ये क्या हो गया, तो मैं कहूंगी भाई ये कार्बन जो है ना ये प्लस था, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करा, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करा, तो बच्चों जिसको डोनेट करते हैं वो नेगेटिव और जो खुद डोनेट करता है वो पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन तो तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। अब ये वाला कार्बन जो है ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मतलब न्यूट्रल है, तो बच्चों न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है तो बस हटा दो चार्ज वापस, ठीक है। तो ये बन गया आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे चलो, तो आगे चलो, तो देखो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट हो जाएगा, दिस इज साइट, दिस साइट इज नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गया पॉजिटिव, तो बच्चों माइनस और प्लस वापस क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, और माइनस प्लस मतलब माइनस वाला प्लस को लोन पे डोनेट करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा बस। तो ये कर लो, ये बॉन्ड यहां ब्रेक करो, तो देखो ये बॉन्ड जैसे यहां ब्रेक करूंगी ये नेगेटिव, ये बॉन्ड तो एज इट इज था, ये वाली साइड क्या हो गई थी प्लस, ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, तो मुझे यहां डबल बॉन्ड बनाना चाहिए और ये एज इट इज, ओके। और आगे चल लो बच्चों, तो अब क्या करेंगे इस बॉन्ड को यहां स्प्लिट कर दो, तो ये साइड नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गई पॉजिटिव, प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला पॉइंट नेगेटिव, समझ में आ रहा है। देखो ये बॉन्ड यहां टूटा तो यहां तो क्या आना चाहिए नेगेटिव, बैक साइड क्या है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव के उधर देखो नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, और साइन चेंज कर दो न्यूट्रल कर दो। तो आगे चलो, तो देखो हम कहेंगे भाई ये साइड नेगेटिव, ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड ओ एच, और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब फाइनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो फाइनल स्ट्रक्चर बना लो, अब क्या होगा, तो देखो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट कर दो, तो एक लोन पेयर तो था ही, वापस लोन पेयर आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है, ओके। तो देखो ये बॉन्ड एज इट इज था, ये बॉन्ड एज इट इज था, ये लोन पेयर इस पे आया तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या हो गए दो लोन पेयर हो गए, ये बॉन्ड टूटा है बच्चों है ना, ये वाला बॉन्ड टूटा है किस पे ऑक्सीजन पे, तो ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब ये साइड प्लस और माइनस क्या हो गया डबल, समझ में आई ना बात। देखो ये ऐसा था ये कार्बन, ये ओ एच और ये प्लस था, ठीक है, और बाकी जो है वो तो है ना। अब मैंने क्या कहा ये बॉन्ड यहां टूट गया, तो ये बॉन्ड टूट गया तो बच्चों डबल से कहां पहुंच गया सिंगल हो गया ना, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटा मतलब एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां दो इलेक्ट्रॉन आ गए नेगेटिव चार्ज, तो पहले से ही जो प्लस है उस पे माइनस आया मतलब न्यूट्रल, तो हटा दो उसको, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहां टूटा तो इस कार्बन पे क्या है प्लस, और इसका पड़ोसी क्या है माइनस, तो प्लस माइनस मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड, तो ओवरऑल वो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं बनाना आपको, तो बच्चों ये है रेजोनेंस इन फिनॉल, या अगर आपसे एग्जाम में पूछे ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है, या पूछे कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना माइनस कहाँ आ रहा है, देखो स्ट्रक्चर में देख के बताओ माइनस कहाँ कहाँ घूम रहा है, ऑर्थो पैरा मेटा कौन सी पोजीशन पे माइनस घूम रहा है चेक करो, क्लियर। तो माइनस दिखा बच्चों है ना, देखो ये फिनॉल हो गया, ये पोजीशन है ऑर्थो, ठीक है, ये है मेटा, इसके रिस्पेक्ट में है ना, और ये वाली क्या हो गई पैरा, तो ध्यान से देखो माइनस एक बार तो ऑर्थो पे था, अगली बार पैरा पे था, और फिर से क्या था ऑर्थो पे था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख के क्या पता चलता है कि माइनस चार्ज ऑर्थो और पैरा पे घूम रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज हम काम में लेंगे बच्चों आगे।
ओके अब जो ध्यान से सोचने वाली बात है वो क्या है? तो देखो, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल, क्या हुआ रेजोनेंस से? तो मुझे लग रहा है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या लग रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल ऑक्सीजन एक्वायर्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. ठीक है भाई, तो ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब बच्चों ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तुमने O को प्लस कर दिया, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना उसको तो हमें माइनस रखना चाहिए, लेकिन अब वो इस चक्कर में क्या हो गया, ऑक्सीजन प्लस हो गया. तो ऑक्सीजन प्लस हो गया तो वो क्या हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि अब तो जरूरत है ही है ना, अब तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो ऑक्सीजन एक्वायर्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सो इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना. ऑक्सीजन क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. ओके, अब क्या होगा? तो बच्चों अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इसके पास क्या चॉइस है, यहां तो डबल बॉन्ड है, ये प्रोटॉन हटा दे, H प्लस निकाल दे, तो O वापस क्या हो जाएगा, कम से कम न्यूट्रल तो होगा. तो इसकी इच्छा रहेगी, अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से लाऊं? तो भाई अपने खुद का तो उसको डोनेट कर दिया, इससे तो लेना नहीं है, तो ये पड़ोसी प्रोटॉन को निकाल दो. ठीक है, तो ऑक्सीजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्या होगा, रिलीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एलिमिनेशन कह दूं है ना, रिलीज और एलिमिनेशन लिख सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन बिकम्स इजियर. ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, आसानी से प्रोटॉन को छोड़ देगा, तो प्रोटॉन का एलिमिनेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है. तो अपने एसिड बेस का ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, प्रोटॉन देने वाला एसिड और प्रोटॉन लेने वाला बेस. तो मुझे लग रहा है भाई फिनॉल परेशान होकर प्रोटॉन छोड़ देगा, तो जैसे ही प्रोटॉन छोड़ेगा मतलब फिनॉल बिहेव्स एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, प्रोटॉन रिलीज करता है. सो क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन बिकम्स इजियर एंड फिनॉल बिहेव्स एज, फिनॉल बिहेव्स एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड. ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड की तरह फिनॉल क्या करेगा बच्चों, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड की तरह बिहेव करेगा. क्लियर, तो दिस इज द रीजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल. ठीक है, अब आता है बच्चों कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल. भाई आप बताओ बेटर एसिड कौन है, एल्कोहल अच्छा एसिड है, फिनॉल अच्छा एसिड है? तो देखो हम यहां दो ही है, हम तीन में कंपैरिजन कर लेते हैं. बच्चों देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे बढ़िया, मतलब कंपैरेटिवली है ना, तो फिनॉल बहुत अच्छा एसिड है, एटलीस्ट लिटमस टेस्ट तो दे रहा है, तो फिनॉल. आफ्टर दैट वाटर, और वाटर से भी खराब एसिड जो है दैट इज एल्कोहल. ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो देखो एल्कोहल का कंपैरिजन कर लेते हम, तो देखो एल्कोहल हो गया ROH. ठीक है, अब प्रोटॉन देगा मतलब एक्वस सॉल्यूशन ना, तो वाटर लिख दिया. तो बच्चों अल्कोहल क्या करेगा, प्रोटॉन छोड़ेगा तो एल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. ठीक है, अल्कोहल प्रोटॉन छोड़ दिया ना, प्रोटॉन कैसे छोड़ेगा, ये O माइनस H प्लस, अब H प्लस का तो एग्जिस्टेंस होता नहीं है, एक्वस में जाएगा पानी के साथ तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. ओके, एंड RO माइनस, तो मैं कह दूंगी भाई ये है एल्कोक्साइड आयन. ठीक है,
अब ये एल्काइल ग्रुप है बच्चों, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है। तो मैं कहूंगी भाई एल्कोक्साइड आयन मतलब नो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस ही नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी कहां से लाओगे? तो आप कहोगे एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस तो नहीं है। अब रेजोनेंस नहीं है मतलब क्या है? तो अपन कह देंगे लेस स्टेबल या अनस्टेबल। ठीक है, तो हम कह देंगे भाई एल्कोक्साइड आयन इज अनस्टेबल एज इट डजन शो रेजोनेंस। अब ये अनस्टेबल है, अब ये क्या करेगा भाई? स्टेबल नहीं है, वापस प्रोटॉन पकड़ेगा, प्रोटॉन लाओ, है ना, और कहां जाएगा? बैक साइड। तो एल्कोहल जो है बच्चों दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड, है ना। तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना होता है। रिएक्शन कब आगे चलेगी? जब आप लेस स्टेबल से कहां जाओ मोर स्टेबल, पर आप तो उल्टा चल रहे हो भाई, जो चीज स्टेबल थी आप उसको अनस्टेबल बनाने पे तुले हुए हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये वापस प्रोटॉन पकड़ेगा कि लाओ ताकि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? दिस एल्कोक्साइड आयन शोज, दिस एल्कोक्साइड आयन शोज एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन, एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन। ओके भाई, इसको तो प्रोटॉन चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं हो पा रहा। ओके, देन दिस एल्कोक्साइड आयन शोज एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन एंड इक्विलिब्रियम, या जो ये आपका रिएक्शन है एंड इक्विलिब्रियम मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों साथ साथ में आप नोट्स भी बना लेना, ये नोट्स आपको बोर्ड में और कंपटीशन में एज इट इज काम आएंगे। ठीक है, मैं बोर्ड से हट जाती हूँ ताकि आप आराम से कॉपी कर पाओ। सो क्या बताओगे? एल्कोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल नहीं था, फटाक से प्रोटॉन को पकड़ेगा, बैक साइड जाएगा, अल्कोहल बनाएगा, स्टेबिलिटी आएगी। मतलब ले देखे प्रोटॉन तो नहीं दिया ना, तो प्रोटॉन नहीं दिया तो फिर काय का एसिड, तो हमने वैसे ही पीछे डाला कि नहीं भाई इससे तो वाटर ही ठीक है, कम से कम वाटर प्रोटॉन दे तो देगा, एच प्लस और ओ एच माइनस, ये तो उससे भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो एल्कोहल लीस्ट एसिडिक हो गया, क्लियर हो गया। अब फिनॉल में क्या है भाई? तो फिनॉल में जब रेजोनेंस था तब तो हमने देखा था कि भाई बेचारा रेजोनेंस कैसे शो करेगा एसिडिक हाइड्रोजन होते हुए, तो एसिडिक हाइड्रोजन छुड़वाना पड़ेगा। ओके, नाउ फिनॉल और वाटर का अगर कंपैरिजन था तो देखो फिनॉल टू लोन पेयर एंड ऑक्सीजन एटम, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, ठीक है, तो फिनॉल अगर प्रोटॉन छोड़ देगा तो क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और प्रोटॉन छोड़ देगा तो हाइड्रोनियम आयन। अब देखो बच्चों तीन लोन पेयर क्यों बनाए, तो दो तो ऑलरेडी थे, तो ये OH बॉन्ड था ना, है ना, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर तो ऑलरेडी थे, ये बॉन्ड यहां टूटा, तो मैंने आपको बताया था कि जहां बॉन्ड टूटता है वो क्या बन जाता है? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन साथ में लेके चल रहे, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे तीन लोन पेयर बनाए हैं। ठीक है, सो दिस इज फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो भी फिनॉल एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। अब फिनॉक्साइड आयन में कुछ खास बात तो होनी चाहिए, तो मुझे दिखा कि भाई ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देखो ग्रुप है सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल, तो फिनॉक्साइड आयन तो हम कहेंगे नहीं बेटा बहुत अच्छा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है मतलब डबल बॉन्ड का मूवमेंट, और डबल बॉन्ड मूवमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? रेजोनेंस, और रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया है, स्टेबल है, तो ये तो आगे आगे चलेगा, प्रोटॉन छोड़ के स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। नाउ रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन बताओ, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन ड्रॉ कर लो, सो फिनॉक्साइड आयन। अब होगा क्या बच्चों? तो मैंने आपको सिखाया था ये बॉन्ड यहां स्प्लिट कर दो, ये वाला पार्ट हो गया नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गया? पॉजिटिव। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, है ना, माइनस मतलब ही दो लोन, माइनस मतलब ही एक पेयर, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो भाई ये दो बॉन्ड तो एज इट इज बनाने, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये बॉन्ड उठ के यहां आया, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। ठीक है, बैक साइड क्या हो गया बच्चों? ये वाला कार्बन है ना, अब क्या हो गया? प्लस। ऊपर कौन है? ऑक्सीजन, और माइनस,
तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, तो अब आप बना दो उसको, क्या करोगे, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो विद टू लोन पे। अब आगे चलो तो हम कहेंगे अब तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही चलता जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, दिस टाइम ये नेगेटिव, बैक साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस डबल बॉन्ड। तो चलें आगे, तो डबल डबल ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। ओके नाउ तो हम कहेंगे यहां चल लो भाई, तो यहां चल लो, तो देखो ये वाला हिस्सा नेगेटिव है ना, और यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये, और फाइनली तो बच्चों फाइनली ये बॉन्ड यहां स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड आ गया, ये इधर आ गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन हो गया माइनस विद थ्री लोन पेयर। अब बच्चों जो रेजोनेंस आपने बनाया है, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपने बनाया है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है पता कैसे चलेगा, तो थोड़ा सा आइडिया रखो। देखो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बॉन्ड लेफ्ट में है, देखो इसको ध्यान से देखो, एक बॉन्ड लेफ्ट में है, दो राइट में है, और जब राइट में पहुंचोगे तो देखो एक बॉन्ड राइट में है और दो लेफ्ट में है, फर्स्ट और लास्ट में जो डबल बॉन्ड है वो सारे घूम के आएंगे ना, तो जस्ट पोजिशंस जो है वो बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फिनॉल में भी डिस्कस किया था रेजोनेंस, तो फिनॉल में रेजोनेंस यहां चेक कर, देखो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था बच्चों डबल बॉन्ड लेफ्ट में एक है, राइट में कितने हैं, दो है। ठीक है, लेफ्ट में एक, देखो आपको अपना ही लेफ्ट देखना है ना, लेफ्ट में एक है राइट में दो है, लास्ट में जाओ तो देखो लेफ्ट में दो डबल बॉन्ड है और राइट में एक है, तो जब सारे बॉन्ड घूम जाएंगे, सारे पार्टिसिपेट करके आगे आगे चलेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा, बिल्कुल ओपोजिट कॉन्फिगरेशन मिलेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो सारा परफेक्ट है, सही है, क्लियर। तो फिनॉल, फिनॉल में रेजोनेंस था इसलिए प्रोटॉन लूज भी हो गया, और ये क्या है, तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो बच्चों हम कहेंगे भाई फिनॉल प्रोटॉन छोड़ देता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन बनाएगा तो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से क्या है, स्टेबल है, तो बस हमें तो स्टेबल ही चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं आपको है ना, स्टेबल है तो ये हर बार क्या करेगा, आगे भागेगा प्रोटॉन छोड़ने के लिए, तो प्रोटॉन छोड़ेगा, दैट्स व्हाई फिनॉल इज एसिडिक। ठीक है, कंपैरिजन करो तो तुम बताओ कि भाई अल्कोहल प्रोटॉन छोड़ के अल्कोक्साइड आयन बनाता है, अल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज लेस स्टेबल एंड इट शोज एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन एंड इक्विलिब्रियम मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बट इन केस ऑफ फिनॉल इट व्हेन इट लूजेस प्रोटॉन इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, सो इक्विलिब्रियम मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या देखो ये आपका प्रैक्टिकल का टेस्ट भी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बच्चों, भाई अभी तक तो आपने पढ़ लिया फिनॉल एसिड है ना, अच्छा एसिड है, क्योंकि कंपैरिजन में आया कौन था, वाटर और अल्कोहल, और वाटर तो आपको पता ही कितना एसिडिक होता है, अल्कोहल तो उससे भी कम है। ठीक है, तो फिनॉल उनसे तो बेटर ही था। अब मैं फिनॉल को कंपेयर कर रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड जो वाकई में एसिडिक है, फिनॉल से बेटर एसिड है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन क्या मिला, तो आपको मिल गया भाई एक टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें एक लिक्विड है एक्स, दूसरा टेस्ट ट्यूब है इसमें एक लिक्विड है वाई। ठीक है, आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, कैसे बताओगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें है और फिनॉल किसमें है। ठीक है, अब आपको स्मेल कर लेंगे तो स्मेल कर लेंगे, हाँ सही है स्मेल कर लेंगे है ना, लेकिन टेस्ट करके बताना है, तो दिमाग लगाओ, एक टेस्ट ट्यूब में बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो है वो फिनॉल है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे,
क्या करोगे बच्चों? तो देखो, टेस्ट परफॉर्म करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है? प्रैक्टिकल में भी लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है? दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल, है ना? अब जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की एफोविसेंस आएंगी, एफोविसेंस समझते क्या बच्चों? एफोविसेंस क्या होती है? कोई गैस होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा शेक करके ढक्कन खोलो तो एकदम से क्या होगा, बबल्स के साथ गैस बाहर आएगी, ठीक है? तो एक टेस्ट ट्यूब में से तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफोविसेंस बाहर आएंगी, लेकिन दूसरे में क्या होगा, CO2 एफोविसेंस बाहर नहीं आएगी, नो CO2 एफोविसेंस, ठीक है? एफोविसेंस का हिंदी में अगर मीनिंग है तो वो है तेज बुदबुदाहट के साथ बाहर आना, ठीक है? तो यहां तो आएंगे, यहां नहीं आएंगे। तो बच्चों, जहां CO2 की एफोविसेंस आई, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लियर? जहां CO2 की एफरवेसेंस मिली वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जहां नहीं मिली वो क्या है, फिनॉल। तो आपसे कहा था आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो बच्चों एक्स जो था, है ना, एक्स क्या है, तो हम कहेंगे एक्स सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहा है, तो एक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और वाई नहीं कर पाता, तो वाई क्या है, तो मैं कहूंगी वाई है फिनॉल, ठीक है? तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज कर दे बच्चों, वो तो होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो डीकम्पोज ना कर पाए, जो डीकम्पोज ना कर पाए वो होता है आपका फिनॉल। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों फिनॉल से तो ज्यादा है, है ना? के ए वैल्यू से पता लगाते, देखो कंपेयर करते हैं ना, भाई ये भी लिटमस टेस्ट दे रहा है, वो भी दे रहा है, तो के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उससे पता लगाते हैं कि ज्यादा बेटर एसिड कौन सा है। तो फिलहाल आपको क्या बताना है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है? फिनॉल के कंपेरिजन में तो बच्चों ये क्या है, काफी अच्छा एसिड है। सो इट डीकम्पोजेस, इट डीकम्पोजेस वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कम से कम ये क्या कर देगा, डीकम्पोज कर देगा, ओके? तो डीकम्पोजेस वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड गिव्स, एंड गिव्स एफोवेसेंस, एफोविसेंस ऑफ CO2। बट फिनॉल क्या है, तो बच्चों फिनॉल जो है कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली, तो मैं कहूंगी एसिड के कंपैरेटिवली, बट फिनॉल कंपैरेटिवली इज लेस एसिडिक, ठीक है? सो इट इज अनेबल, अनेबल टू डीकंपोज सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना बच्चों? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकंपोज नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होगा, जो एसिडिक, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकंपोज कर लेगा, और डीकंपोज कर लिया इसका मतलब टेस्ट हो गया एसिड का, और नहीं कर पाया तो टेस्ट हो गया फिनॉल का, क्लियर? और रिएक्शन लिखनी तो वैसे भी लिख सकते थे, देखो फिनॉल था, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करा भी दूं, ठीक है, मान लो ये अच्छा एसिड है तो बनाएगा क्या, प्रोटॉन छोड़ देगा, तो ये बना लेता सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बोनिक एसिड। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चों ये वीक एसिड है, फिनॉल क्या है, तो मैं कहूंगी भाई फिनॉल क्या है, तो फिनॉल तो है वीक एसिड, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये वीक बेस या वीकर एसिड कर लेते हैं, चलो कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, सो दिस इज वीकर एसिड एंड दिस इज वीकर बेस, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो
अब तुम्हें पता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है क्लास 11th आयन इक्विलिब्रियम। जो एसिड अगर वीक है तो कॉन्जुगेटेड, देखो एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस, एसिड प्रोटॉन छोड़ेगा तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस। अब एसिड अगर वीक है तो कॉन्जुगेट क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो मैं कहूंगी भाई फिनॉल तो वीक एसिड था है ना, लेकिन ये जो बना ये तो स्ट्रॉन्गर बेस, चलो स्ट्रॉन्गर बेस बन गया। और ये सोडियम का बाइकार्बोनेट क्या है, वीकर बेस था, लेकिन कार्बोनिक एसिड फिनॉल के कंपैरेटिवली क्या है बच्चों, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलती, भाई स्ट्रॉन्ग है तो डिसोसिएट होगा, मानेगा वो डिसोसिएट होगी, तो अगर स्ट्रॉन्ग है डिसोसिएट होगा मतलब रिएक्शन आगे चली है ना। अब आप क्या कह रहे हो, वीक था डिसोसिएट हुआ स्ट्रॉन्ग बन गया, तो स्ट्रॉन्ग रुकेगा कैसे, वो तो वापस डिसोसिएट होगा ना, तो बच्चों ये चलेगी ही नहीं है ना, ये बैक साइड ही चलेगी, तो बैक साइड ही चलेगी मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो तुम क्या बताओगे, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग से वीक बनता, ठीक है ना। तो हम कहेंगे नहीं, दिस रिएक्शन डजंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग की तरफ चलना पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस रिएक्शन डजंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर कंपैरिजन क्या हो सकता है, इजीली हो सकता है। तो यहां हमने देखा बच्चों क्या पढ़ा हमने, तो हमने देखा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, पहले हमने फिनॉल को अल्कोहल और वाटर से कंपेयर किया, फिर हमने फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर। नाउ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे सब्स्टिट्यूएंट मतलब कनेक्टेड ग्रुप उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बच्चों हमने देखा था भाई फिनॉल में ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज होने के चक्कर में क्या हो रहा था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा था, तो प्रोटॉन छोड़ के वो फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, ओके तो फिनॉक्साइड आयन तो बना। अब फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज कहाँ था, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज जो था वो प्रेजेंट था, नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल एट, तो हमने देखा भाई ऑर्थो और पैरा पे था, अवेलेबल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव अवेलेबल है, यहाँ भी नेगेटिव अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ जो ग्रुप्स कनेक्टेड होंगे है ना, उनका इफेक्ट तो लगेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या बताना है कि भाई देखो ये है फिनॉल, ग्रुप लगाना का है ऑर्थो पैरा पे है ना, क्योंकि देखो कॉन्जुगेटेड पोजीशन क्या थी, ऑर्थो पैरा, जहाँ माइनस घूम रहा है वही तो इफेक्ट आएगा, और जब माइनस घूम ही नहीं रहा तो बात खत्म। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ मान लो पैरा पोजीशन लेके चलती हूँ, यहाँ पे जो ग्रुप है, ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई ग्रुप की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी कि ग्रुप जो हो वो हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप हो बच्चों दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, तो भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यानी नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, फैलाएगा, तो स्टेबिलिटी आएगी है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, तो सीधे और साफ शब्दों में लिखना चाहिए कि इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। अब डोनेटिंग, तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मुझे तो जरूरत ही नहीं भाई, हमारे पास तो ऑलरेडी क्या है, माइनस घूम रहा है, हमें कहाँ जरूरत है यहाँ पे डोनेटिंग,
तो डोनेटिंग क्या करेगा, माइनस को माइनस दोगे तो स्टेबलाइज कैसे करोगे, चार्ज को फैला ही नहीं पाओगे, डीस्टेबलाइज करेगा। तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, तो मैं लिख दूं डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। Decreases stability of phenoxide ion. तो जो सारा गड़बड़ी यहीं से शुरू हो गया, withdrawing और donating से, ठीक है? तो हम कहेंगे भाई withdrawing group क्या करेगा? Phenoxide ion की stability बढ़ाएगा, है ना? और phenoxide ion बनेगा तभी तो proton छूटेगा, तो acidic strength बढ़ेगी। और donating group क्या करेगा? Phenoxide ion की stability कम करेगा, तो acidic strength उल्टा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है? तो देखो कंपेयर कैसे करोगे, तो हम कहेंगे भाई ये है फिनॉल, यहाँ लगा हुआ है विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, द नॉर्मल फिनॉल, है ना? और तो पैरा कहीं पे भी लगा सकते बच्चों। और ये जो हो गया दैट इज फिनॉल, और यहाँ लगा हुआ है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है? अब विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, मतलब इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि फिनॉक्साइड तभी बनता है जब प्रोटॉन छूटता है, तो फिनॉक्साइड स्टेबल मतलब प्रोटॉन जल्दी छूटेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और ये क्या करता है बच्चों, तो ये डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कभी भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग लगाना है, विड्रॉइंग है तो बढ़िया, नहीं है तो नॉर्मल फिनॉल रहने दो, कम से कम डोनेटिंग वाले से तो बचो। अब डोनेटिंग मतलब एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हो, प्लस एच। तो वो जो बहुत बड़ा टॉपिक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, एक एक को डिस्कस करें, यहाँ थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम कर लेंगे जो फिनॉल से रिलेटेड है, ठीक है? और विड्रॉइंग मतलब तो हम कह देंगे माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट माइनस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस, ठीक है? अब देखो अगर कंपैरिजन करना है, आपको कह दिया कि भाई फिनॉल है ना, और पैरा पे क्या है नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रो फिनॉल और नॉर्मल फिनॉल, और मैंने लगा दिया यहाँ पे एक मिथाइल, ठीक है, यहाँ चलो मिथॉक्सी लगा लेते हैं। तो बच्चों मिथॉक्सी ऑक्सीजन होते हुए क्या होगा प्लस एम इफेक्ट, और नाइट्रो का क्या होगा माइनस एम इफेक्ट। तो बच्चों माइनस एम मतलब विड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस एम इफेक्ट मतलब क्या हो गया डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको ये बढ़िया है एसिडिक स्ट्रेंथ विड्रॉइंग ग्रुप वाले, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा दैट शुड बी पैरा नाइट्रोफिनॉल देन फिनॉल देन पैरा मिथॉक्सी, ठीक है? ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों जो हम सॉल्व करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ पे, बट हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही, समझ में आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल के कुछ और एग्जांपल्स और केमिकल रिएक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।